हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि हमारा बी फॉर्म 4 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने इससे पहले 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जो कि बोर्ड पे था। ये लास्ट लेक्चर है, जो कि लेक्चर 5वां है, और इसके बाद यूनिट 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं स्लाइड्स के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी ये है कि क्योंकि इसमें ढेर सारे रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस के बाद उसको बार बार इरेज करना और लिखना है तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसको स्लाइड के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा टॉपिक है बायोट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को मेटाबॉलिज्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जानने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने फार्माकोलॉजी में आपको 4 सेमेस्टर में जो मैंने पढ़ाया है मेटाबॉलिज्म, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वाला वीडियो आप जब देखेंगे तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे, क्योंकि आपको शुरुआत वहीं से करनी है। पहले वो वाला मेटाबॉलिज्म आपको समझना है, और उस मेटाबॉलिज्म समझने के बाद आपको इस वीडियो को देख के आगे लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या था आपको याद होगा फ्रेंड्स, कि मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो कुछ ना कुछ एक्शन देता है। लेकिन अगर वही ड्रग हमारे रिसेप्टर से काफ़ी लंबे समय तक बाइंड रहेगा तो वो हमारे बॉडी में ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसलिए उस ड्रग को एक्टिव फॉर्म से पहले इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रिसेप्टर से बाहर निकालना, और रिसेप्टर से बाहर निकाल के उसको उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करके उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को हम लोग अब मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब थोड़ा सी मेडिसिनल केमिस्ट्री की भाषा में आ जाए तो उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं। देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि किसी भी ड्रग का एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और क्योंकि ये क्रिया हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, बायोलॉजी के अंदर हो रही है, ना कि लैब में हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ जीनोबायोटिक्स और ड्रग्स फ्रॉम एक्टिव फॉर्म इनटू इनएक्टिव फॉर्म इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ वर्ड जानेंगे। एक फ्रेंड होता है वर्ड हमारा जीनोबायोटिक्स। देखिए क्या है जीनोबायोटिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी वो सब्सटेंस, देखिए बहुत आसान लैंग्वेज में इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, कोई भी वो चीज़ जो हमारे बॉडी का हिस्सा ना हो, जिसको हम बाहर से खाते हों, वो हमारा जीनोबायोटिक्स। उसमें चाहे वो दवाएँ हों, चाहे वो खाना हो, चाहे आपका सैंडविच बर्गर पिज्ज़ा हो, ठीक है, और चाहे जो भी फ्रूट्स हो, जो भी सब कुछ जो बॉडी में बाहर से जाती है बॉडी के अंदर, उसे हम जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे प्रोसेस फूड आते हैं, फूड एडिटिव आते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, एग्रोकेमिकल्स, ये सारे जो आते हैं वो हमारे, ठीक है। एक वर्ड आता है फाइलोटॉक्सिन, क्या होता है फ्रेंड, ऐसे प्लांट के टॉक्सिन जो एलर्जी कॉज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको फाइलोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ नए वर्ड हमको जानना होगा। केमिकल अल्टरेशन ऑफ जो ड्रग होता है बॉडी में, उसी को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर लिपिड इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा जो मेन ऑर्गन होता है वो लीवर होता है, इसके साथ साथ किडनी में, इंटेस्टाइन और लंग्स, प्लाज्मा में भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, इस पर लिखेंगे कि लिखेगा द बेसिकली फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म द प्राइमरी ऑर्गन इज लीवर, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो हैपन इन किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा लाइपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक ड्रग है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको बहुत चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हो क्या रहा है। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है फ्रेंड, कि ये हमारा मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर से हमारा ये ड्रग बाइंड है, और जब तक ये ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड है तब तक हमारे बॉडी के अंदर एक्शन आ रहा है। लेकिन 3 चीज़ें हैं, अगर ये रिसेप्टर से बहुत देर तक बाइंड रहेगा तो ये क्या कॉज करेगा, यह बॉडी में एलर्जी कॉज करेगा, साइड इफेक्ट कॉज करेगा, और ढेर सारी बीमारियां कॉज करेगा। तो अब इनको बाहर निकलने का 3 तरीका हो सकता है। 3 तरीका फ्रेंड कैसे हो सकता है, कि पहला स्टेप में क्या करेंगे हम, कि जो हमारा ड्रग एक्टिव फॉर्म में है उसको हम एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहला चीज़। ठीक है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव, ताकि उसका दवा का असर आना ख़त्म हो जाए, जो बॉडी के अंदर असर आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए दूसरा फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोई इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करें। इसे स्ट्रक्चर ये है, तो इसका स्ट्रक्चर हम चाहे इसको ऐसे 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 बना दे, या इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना दे, यानी इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो स्ट्रक्चर चेंज क्यों करेंगे फ्रेंड, क्योंकि जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ही ये रिसेप्टर से अपने रिसेप्टर को छोड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ताले चाबी की तरह ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। तो जैसे कोई चाबी है ताले में लगती है, अगर चाबी को पीट पाट के उसका शेप बदल दो तो क्या उससे ताला खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। उसी तरह से जब किसी भी ड्रग के शेप को हम चेंज कर देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक, एक सेकेंड होल्ड करिएगा मैं आ रहा हूँ।
ये एंटी उल्टी की दवा है, इसको खा लीजिए है, ये वाली जी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, आपको भी लेना। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, कुछ पेशेंट्स आ गए थे। हाँ सुबह शाम लेनी है आपको, सुबह शाम। ठीक है, तो क्या होता है कि उस अगर हम ड्रग का शेप चेंज कर देंगे तो वो रिसेप्टर से हट जाएगा। ठीक है, और तीसरा चीज़ फ्रेंड्स क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो रिसेप्टर शेप चेंज हो गया, अब वो बाहर आ गया, लेकिन वो क्या है, लाइपोफिलिक नेचर का है, और लाइपोफिलिक नेचर का जो ड्रग होगा वो हमारे बॉडी में यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारे यूरिन में वाटर होता है और हमको वाटर वाली हाइड्रोफिलिक ड्रग चाहिए। तो तीसरा काम क्या करते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन में, कि हम ड्रग की पोलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए, ड्रग को हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए हम उसमें कुछ ऐसे पोलर ग्रुप जोड़ देते हैं, जिससे ड्रग का पोलैरिटी बढ़ जाए और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए यूरिन के द्वारा। समझ में आ गया फ्रेंड, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्लियर हो गया होगा कि तीन काम करते हैं। फिर से अगर आपको रिपीट कर दिया जाए तो पहले स्टेप में फ्रेंड क्या करते हैं हम लोग, पहले स्टेप में बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे स्टेप में हम उसके शेप को चेंज करते हैं, कुछ उसमें बड़े ग्रुप लगा के, ताकि उसका शेप बदल जाए तो वो रिसेप्टर से बाहर आ जाए। और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं, पोलर ग्रुप को जोड़ के, ताकि वो हमारी बॉडी से यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाए। अगर आप ये समझ गए हैं तो अब समझना शुरू करते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फेज़ वन रिएक्शन और फेज़ टू रिएक्शन। आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था फेज़ वन फेज़ टू, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर रिएक्शन नहीं पढ़ा था, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा सा हमको अलग क्या पढ़ना है कि वहाँ पर रिएक्शन पढ़ने हैं। तो आपको जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था कि फेज़ टू में क्या होता है, बेसिकली फेज़ वन में हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं या उसके फंक्शनल ग्रुप को मॉडिफिकेशन करते हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड, मैंने बताया दूसरा स्टेप क्या, कि उस पर जब फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा या फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसका जो शेप है वो बदल जाएगा, और जैसे ही शेप बदल जाएगा फ्रेंड वो रिसेप्टर को छोड़ के बाहर आ जाएगा। ये फेज़ वन है। और फेज़ टू में क्या होता है फ्रेंड, कॉन्जुगेशन या सिंथेटिक ग्रुप, यानी अब हम उसमें कुछ ऐसा कॉन्जुगेशन करेंगे, कुछ ऐसे पोलर ग्रुप लगाएंगे जिससे कि उसकी पोलैरिटी बढ़ जाए और वो हमारे बॉडी में हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो जाए और एक्सक्रीट होकर यूरिन के साथ बाहर हो जाए। तो फेज़ वन में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम फंक्शनलाइजेशन एंड कॉन्जुगेशन। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो द बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व टू स्टेप, फेज़ वन फंक्शनलाइजेशन, इन दिस स्टेप बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आर अटैच, सो द शेप ऑफ ड्रग इज चेंज एंड इट रिमूव फ्रॉम द रिसेप्टर। अगली हेडिंग है फेज़ टू, कॉन्जुगेशन ग्रुप, इन दिस फेज द पोलर हाईली पोलर कॉन्जुगेटेड ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ड्रग मॉलिक्यूल, सो देयर पोलैरिटी इज इंक्रीज एंड दे आर एक्सक्रीटेड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोफिलिक फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको रिएक्शंस लिखने हैं कि फेज़ वन में, यानी कि हमको क्या करना है, उसके शेप को चेंज करना है, तो कितने कौन कौन से रिएक्शन के द्वारा हम उसके शेप को बदल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, साइक्लाइजेशन और ऑक्साइड डिसाइक्लेशन। मेडिसिनल में एग्जाम में डिटेल पूछता है, तो आपको सारे रिएक्शन के एग्जाम्पल और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। और ये फेज़ टू में क्या हो रहा है, कौन कौन से ग्रुप को हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ग्लूकोरोनिक एसिड जोड़ेंगे, एसाइलेशन करेंगे, मिथाइलेशन करेंगे, सल्फेट जोड़ेंगे, ग्लाइसिन जोड़ेंगे, ग्लूटाथियोन जोड़ेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड। इससे क्या हो रहा है, सारे चीज़ को जोड़ने से उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी और जिससे क्या होगा, वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो फेज़ वन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की बात करते थे फ्रेंड, ऑक्सीडेशन समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन H2 रिमूव हो रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या H2 रिमूव हो रहा है तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या तो फ्रेंड कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐड हो रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन सल्फर ये सब ऐड हो रहा है, उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पहले ग्रुप में ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे आप सिंपल से लिखा है लिख लीजिएगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नेगेटिवली चार्ज रेडिकल और पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द मेन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, सबसे मेन होता है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बदल जाता है, एंड इट प्रोड्यूसेस अनस्टेबल इंटरमीडिएट इपॉक्साइड सुपर ऑक्साइड एंड क्विनो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए कुछ एंजाइम चाहिए, जो हमारे एंजाइम माइक्रोसोबल एंजाइम कहाँ होते हैं, लीवर के अंदर। अब हमारे बॉडी में लीवर के अंदर 9 तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है।
ठीक है। जैसे पहला ऑक्सीडेशन है, अगर कोई भी ऐसा उनका ऑक्सीडेशन जिस ड्रग में NH2 ग्रुप लगा हो, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरफेनिरामीन, डैप्सोन और मेथ्रिड, ऐसे एग्जांपल बिल्कुल लिखिए डाल के। तो ये एमीन ग्रुप R मतलब कोई ड्रग है, एमीन ग्रुप क्या होगा जब ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बदल जाएगा हाइड्रोक्सीलेमीन में NHOH हो जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है NH2 का क्या हो रहा है NHOH। तो क्या हो रहा है देखिए, NH2 में बस एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होना क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। ये किस एग्जाम्पल है क्लोरफेनिरामीन, डैप्सोन और मेप्रिड, इन दवाइयों में अमीन ग्रुप पाए जाते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन एट सल्फर एटम, यानी ऐसी दवाइयाँ जिनमें सल्फर एटम हो, तो उसका एग्जांपल है क्लोरप्रोमाजीन और क्लोरोफेनिकॉल। तो उसमें क्या है देखिए, SH2 ग्रुप लगा है, H2 को हटा के O लगा दीजिए तो सल्फोनामाइड बन गया। तो ये क्या है हमारा दूसरा रिएक्शन। आप फ्रेंड बस नंबर डाल के ऐसे ही रिएक्शन नोट कर लीजिए और ऐसे ही नोट्स बना लीजिए, बहुत आसान भाषा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तीसरा है एलिफैटिक हाइड्रोक्सीलेशन, यानी अगर कोई एलिफैटिक चैन है और उसमें हमको OH ग्रुप जोड़ना है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। तो जैसे RCH2CH3 ग्रुप है, उसमें OH जो जोड़ना है तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो इसका एग्जांपल कौन है, जैसे सैलिसिलिक एसिड से जेंडिसरिक एसिड बनता है, आइबुप्रोफेन, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोमामाइड। अगर आप फ्यूचर में तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की या GPAT की, तो आपको इन दवाओं का एग्जांपल आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा तरीका क्या है फ्रेंड, कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सीलेशन, यानी एलिफैटिक मतलब कि कोई कार्बन की सिंगल चैन थी, अब कोई एरोमेटिक रिंग है और उस रिंग के अंदर अगर हमको हाइड्रोक्सीलेशन करना है तो बस वही OH ग्रुप लगा दो, तो क्या बन गया, इसका एग्जांपल है फेनिटोइन, फिनोबारबिटोन, प्रोपेनोलॉल, क्योंकि इन सब में एरोमेटिक रिंग पाए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं फ्रेंड लोग डी एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन एटम, इसमें क्या हो रहा है कि एल्किल ग्रुप का निकलना, ये होता है डी एल्काइलेशन। जैसे RCOCH3 है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम एल्किल ग्रुप को निकाल दें तो क्या एल्कोहल बन जाएगा और CH2 LDHD अलग हो जाएगा, तो ये अगला रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फेनेसिटिन से पैरासिटामोल बनाना, ठीक है। छठवां तरीका है फ्रेंड डी एल्काइलेशन एंड नाइट्रोजन एटम, कि जहाँ पे नाइट्रोजन एटम है वहाँ पे डी एल्काइलेशन कैसे कराते हैं, वहाँ पे एल्किल ग्रुप को निकाल के हम ओ ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे कि एल्की, ये था हमारा एस्टामाइड है, तो एल्किल एमीन है सेकेंडरी, उसको ओ कराने पर RNH2 एमीन बन गया और CH2O कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोल्डिहाइड अलग हो गया। इसका एग्जाम्पल है एबिट्रिप्टाइलेशन नॉट पस। क्या करिए फ्रेंड, एग्जाम्पल लिखिए और रिएक्शन लिखिए और कुछ मत करिए, कुछ भी वर्ड आपको इसमें नहीं लिखना है। सातवां है डी एल्काइलेशन एट सल्फर एटम, अब जहाँ पे सल्फर ग्रुप एटम है वहाँ पे CH3 ग्रुप कैसे रिमूव करेंगे, तो बस सेम रिएक्शन करा के आपने हमको ये बना दिया। आठवां है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इस बार हमको NH2 ग्रुप निकालना है और डीसल्फ्यूरेशन में हमको सल्फर ग्रुप अलग करना है, जैसे पी के साथ डबल एस था तो हमने ओ लगा दिया। एग्जाम्पल है पैराथियन से पैराक्सोन बनना, ठीक है फ्रेंड। ये सारे एग्जाम्पल थे ऑक्सीडेशन के, अब हम दूसरी बात करेंगे रिडक्शन के। अब हम बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये माइक्रोसोल्टा एग्जाम है, जैसे साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम NADPH, ठीक है, माइक्रोसोमल साइटोक्रोम 450, UDPGT, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज स्ट्रेस, ये सब क्या है एंजाइम है जो हमारे लीवर के अंदर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे माओ मोनोमिनो ऑक्सीडेज, ठीक है ना। इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, अगर आप लिख लेते हैं नोट्स पर तो बहुत अच्छी बात है, ये सब फ्यूचर में अगर आप तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन की बात की थी उसका उल्टा होता है रिडक्शन। क्या होता है, अब की बार क्या करिए हम लोग फ्रेंड, कि अगर हम लोग क्या करें कि ऑक्सीजन को वहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, वहाँ पे H2 को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे H2 को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे H2 को ऐड कर दें, यानी H2 का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, दो बताया ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है माइक्रोसोमल रिडक्शन, मतलब कि जो लीवर के अंदर एंजाइम के द्वारा होता है। तो इसे कैसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अगर किसी ड्रग में नाइट्रो ग्रुप है तो RNO2 का क्या हो जाएगा, ओ हट के क्या लग जाएगा, एच, तो RNH2 हो जाएगा, यानी नाइट्रो एल्किल से क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है, क्लोरोफेनिकॉल में होता है, क्लोरोफेनिकॉल से क्या बनता है, एरिल अमीन। दूसरा है फ्रेंड कीटो रिडक्शन, इसमें कीटोन ग्रुप का क्या बनता है, एल्कोहल बन जाता है, जैसे कार्टिसोन का क्या बन गया, हाइड्रोकार्टिसोन। ये सब सारे एग्जांपल ऐसे एग्जाम कॉपी में लिख लो नोट्स बना के, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एजो से रिडक्शन, यानी एजो क्या होता है, जैसे आपका प्रोंटोसिल है वो क्या बन जाएगा, सल्फोनामाइड। अब नॉन माइक्रोसोमल रिडक्शन, यानी जो किसी भी लीवर के अंदर नहीं होता, कहीं बाहर होता है, उस पर क्या होता है, क्लोरोहाइड्रेट से क्या बन रहा है, ट्राइक्लोरोएथेनॉल, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ करते हैं, अब अगला हमारा रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, तीसरा रिएक्शन है, पहला दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन, तीसरा हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड का हम वाटर के साथ रिएक्शन करा के उसका ब्रेकडाउन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे ईस्टर और वाटर से क्या बन गया, एस्टरेज से एल्कोहल और एसिड बन गया, तो ये इसका है ईस्टर कुछ में टूट गया एल्कोहल और एसिड में, तो ये हो गया ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि पेथिडीन मेपिस से क्या बन जाता है, मेप्रिडेरिक एसिड, एट्रोपिन से क्या बन जाता है, ट्रोपिक एसिड। तो ये सब किसके एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस के फ्रेंड,
ठीक है। साइक्लाइजेशन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड सिंगल चेन में है और सिंगल चेन से वो साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं साइक्लिक, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जैसे आपका हेक्सेन है, मतलब छः कार्बन की चेन है, उसको बना के साइक्लोहेक्सेन बना दे तो क्या बन जाएगा वो, ये हमारा साइक्लाइजेशन है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, प्रोग्वानेल में होता है। और डीसाइक्लाइजेशन क्या होता है, कोई कंपाउंड रिंग फॉर्म में था उसको तोड़ के रिंग चेन फॉर्म में कर, जैसे कि हमारा साइक्लोहेक्सेन को तोड़ के क्या बना दे, हेक्सेन बना दे, ये क्या होता है डीसाइक्लाइजेशन। ये सब भी रिएक्शंस होते हैं फ्रेंड। इन सारे रिएक्शन से क्या होता है कि हमारे जो ड्रग का शेप बदल जाता है वो रिसेप्टर से बाहर आ जाता है। अब हमारा शेप बदल गया, ड्रग रिसेप्टर से बाहर आ गया, अब हमें क्या करना है, उसमें कंजुगेशन करके पोलर ग्रुप को जोड़ करके उसकी पोलरिटी को इंक्रीज करना है ताकि वो एक्सक्रीशन हो सके, हमारे यूरिन से बाहर जा सके। तो अब हम लोग शुरू करेंगे फेज टू रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कंजुगेशन या ट्रांसफर रिएक्शन। समझ में आ गया होगा फ्रेंड आपको क्या हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्रग फेज वन मेटाबोलाइट कंबाइंड विद एंडोजीनस सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ठीक है। वो हमारे बॉडी में जो ड्रग निकला वो हमारे बॉडी के मेटाबोलाइट से जाकर बाइंड कर जाता है और वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। और जो एंडोजिनस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोरोनिक एसिड, अमीनो एसिड, सल्फेट, एसिटेट, ग्लूटाथियन, इनके साथ जुड़ करके उसकी पोलैरिटी इंक्रीज होती है और हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम लोग कॉन्जुगेशन किससे देख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक। अच्छा, कॉन्जुगेशन करने के नेचर क्या होता है, पहला चार चीज़ें होती है। एक तो हाइड्रोफिलिक ड्रग का नेचर हाइड्रोफिलिक हो जाता है, दूसरा ड्रग आयनाइज हो जाता है, तीसरा उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, भाई किसी में कुछ जोड़ दोगे तो वेट तो बढ़ ही जाएगा, और तीसरा चौथा इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। मैंने शुरू में बताया था आपको, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर द कॉन्जुगेशन बेसिकली फोर एम्स आर अचीव्ड। नंबर वन, ड्रग बिकम्स हाइड्रोफिलिक। नंबर टू, ड्रग बिकम्स आयनाइज्ड। नंबर थ्री, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग इज इंक्रीज। एंड नंबर फोर, ड्रग बिकम्स इनएक्टिव, ठीक है। अब फेज टू में बेसिकली सात प्रकार के रिएक्शन होते हैं, इन्हीं सातों प्रकार के रिएक्शंस को हमको कॉपी में लिखना है और इसको एग्जांपल नोट करना है। जैसे पहला है कॉन्जुगेशन विथ ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होता है, हाईली पोलर ग्रुप होता है फ्रेंड। इसको जोड़ देने से ड्रग जो होता है वो पोलर नेचर का हो जाता है। जैसे ड्रग है उसमें हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ UDPCA के साथ हमने माइक्रोसोबल ग्लूकोरोनिक एसिड जोड़ दिया तो बन गया ड्रग ग्लूकोरोनाइट और UDP हमारा बाहर निकल गया। इसे एग्जाम्पल है एस्पिरिन में होता है, पैरासिटामोल में होता है, पाबा में होता है, मेट्रोडेजोल होता है, मॉर्फिन में, डायजाम फ्रेंड। ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल एक एक वर्ड कुछ लिखना नहीं, बस रिएक्शन लिखिए, एग्जांपल लिखिए, ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा। अगला है हमारा, इसके कुछ एग्जांपल हैं, कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन है एसिटाइलेशन। इसमें क्या होता है, एसिटिल ग्रुप जोड़ते हैं हम लोग, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि पैस हाइड्रोलिन सल्फेट, ठीक है, ये होता है। इसका एग्जांपल यहां पे दिया है एसिटाइलेशन में, ठीक है। कॉन्जुगेशन विद सल्फेट, मतलब इस फ्रेंड इसमें सल्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। इसका एग्जांपल है सल्फो स्ट्रासफेरेज, सल्फोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। एग्जांपल किसके लिए होता है, मेथिल डोपा के लिए, स्टेरॉइड के लिए, क्लोरोफेनिकॉल के लिए, वारफेरिन के लिए। बस बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाइएगा, कुछ नहीं करना है। अगला है ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेशन, तो इसका एग्जांपल है सैलसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथियन के साथ, तो इसका एग्जांपल है बेसिकली ग्लूटाथियन एस्ट्रांसफेरेज एंजाइम के साथ होता है और एपॉक्साइड और क्विनोन बनता है, ठीक है फ्रेंड। और मेथाइलेशन में मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं हम लोग, उसका एग्जांपल आप देख रहे हैं हिस्टामिन, एडेनालिन, निकोटिनिक एसिड, डोपामिन, मिथाइल डोपा, कार्बिडोपा, ठीक है। एंजाइम होता है मेथिल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, ये चीज़ है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के साथ होता है, उसमें 6-मर्क्रिप्टोप्यूरिन का फॉर्मेशन होता है। बस फ्रेंड आप इस सारे सातों स्टेप में क्या हो रहा है कि उसके स्ट्रक्चर पोलैरिटी बढ़ रही है ड्रग की और वो हमारी बॉडी से बाहर हो सकता है आसानी से, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा फ्रेंड हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायोट्रांसफॉर्मेशन, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री के पहले यूनिट का, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें देखना चाहें तो उसको आप अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा। इसमें क्या है कि इनहिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की, ऐसा नहीं है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई एक ड्रग पहले से है, हम कोई दूसरी ड्रग खा रहे हैं, तो उससे भी प्रभावित हो सकता है, घट सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इन्हीं के बारे में ये बात हो रही है, इतना जितना जरूरी लिखना है। जैसे कुछ वेलप्रोइड, कीटाकोनाजोल, सेबिटिडीन, ये दवाइयाँ अगर आप खाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स का इनहिबिशन हो जाता है जिससे कि मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब माइक्रोसोमल इंडक्शन, माइक्रोसोमल एंजाइम एक्टिवेट कैसे होते हैं, अगर हमको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ हमारे इंसेक्टिसाइड जो ड्रग होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो एंजाइम को इंडक्शन करते हैं। तो ये सब आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको जानकारी बता रहा हूँ, काफ़ी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ें हो गई। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि भाई देखिए, हमारी बॉडी में एक पूरा सिस्टम है, पाथवे है, कि हम जब भी ड्रग कोई खाते हैं, इसको आपको नोट्स में लिख लीजिएगा, कि जब हम कोई भी ड्रग खाते हैं तो वो हमारी एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबोलाइज होती है और बॉडी से बाहर निकलती है। तो अगर मान लीजिए कि हम कोई दवा खा रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं की और पहले ही जाके लीवर में पहुँच गई और मेटाबोलाइज हो गई, तो वो
क्या हो जाएगी, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वो फिर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगी, उस दवा का एक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी दवा का असर होने से पहले ही दवा हमारी ख़राब हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, जिसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ड्रग गोज इनटू द लीवर एंड मेटाबोलाइज देन द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज डिक्रीज एंड देयर इज नो एक्शन ऑफ सच ड्रग, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिस ड्रग का हो जाएगा उस ड्रग का असर हमारा खत्म हो जाएगा। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के साथ, ये सब चीज़ें लिखी हैं, आसानी से देख लीजिएगा फ्रेंड, ये हमारा आसान तरीका था। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 1 हम लोगों ने खत्म कर ली है, फार्माकोलॉजी की यूनिट 1 हमने खत्म कर ली है, फिजिकल की यूनिट 1 हमने खत्म कर ली है, कोग्नोसी की यूनिट 2 हमने खत्म कर ली है, ठीक है, ऑर्गेनिक यूनिट 1 चल रही है। तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी मैं आपका सिलेबस खत्म कराऊंगा, बस आप मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।